हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही कम तेल में बना बहुत ही टेस्टी नाश्ता रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को आप बच्चों के टिफ़िन में, सुबह के ब्रेकफास्ट में या फिर टी टाइम स्नैक्स में भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कॉमेंट में बताना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक बाउल ले लिया है मैंने और उबले हुए मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं जिनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। एक मीडियम साइज की प्याज को मैंने बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया है। एक इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है कद्दूकस करके और एक ग्रीन चिली टेस्ट के अकॉर्डिंग ले ली है। आप चाहें तो चिली और जिंजर का पेस्ट भी ले सकते हैं और यदि आपको गार्लिक का फ्लेवर अच्छा लगता हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। स्पाइसेस में मैंने डाल दिया है 1 पिंच हल्दी, आधा टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर यानी धनिया पाउडर, टैंगी टेस्ट के लिए मैंने 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक ले लिया है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर धनिया का पत्ता भी डाल दिया है, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर अपने मनपसंद और भी वेजेस डालनी हो तो आप यहाँ पर वो भी डाल सकते हैं। तो हाथों की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ या लम्स ना रह जाएं। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। इस रेसिपी के लिए आप ये मिक्सचर बनाकर पहले से भी रख सकते हैं फ्रिज में स्टोर करके। तो देखिए डो हमारा तैयार हो गया है। अब छोटी छोटी गोलियाँ हम इसकी बना लेंगे इस तरह से और बनाकर रख लेंगे इसको साइड में। इसी तरह से हम और भी गोलियां बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने सारी गोलियां बनाकर तैयार कर ली हैं, तो इसे रख देते हैं साइड में। और अब दूसरे बाउल में ले लेते हैं 1 कप बेसन। बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक बहुत ही स्मूथ बैटर बना लेंगे। बिल्कुल लम्स फ्री बनाना है हमें, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही हम इसका एक घोल बना लेंगे। बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा थिन हमको नहीं बनाना है घोल, बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी में बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका बैटर बना लेते हैं। तो देखिए बैटर हमारा बहुत ही स्मूथ और फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बना हुआ है। तो अब हम डाल देते हैं इसमें स्वाद के लिए नमक और हल्दी। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस मैं नहीं डाल रही हूँ, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं। कलर के लिए इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और हाजमे को ठीक करते हुए मैं इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूँ। तो इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप अपने मनपसंद और भी स्पाइसेस इसमें डाल सकते हैं लेकिन ये इसी तरह से अच्छा लगेगा, तो आप बिल्कुल इसी तरह से बनाएं। बैटर अच्छी तरह से तैयार होने के बाद अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी 2 टेबल स्पून दही। दही हमें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, अगर आपके पास दही ना हो तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम। ये हल्का सा टैंगी टेस्ट के लिए ही मैंने डाला है, आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं। 1 पिंच के लगभग मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया है, खाने वाला सोडा। इससे बहुत ही अच्छा फ्लफी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा हमारा नाश्ता बनकर निकलेगा। तो ये भी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। तो दोनों चीज़ हमारी हो गई हैं तैयार, तो शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने एक अप्पम पैन ले लिया है। अप्पे पैन में अब मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दूंगी। 1 से 2 चम्मच के तेल में ही ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है, बहुत ही जल्दी से बन जाता है 1 से 2 मिनट में ही। तो अब हम पोर कर देते हैं इसमें हमारा बैटर जो हमने बनाया था। गैस को यहाँ पर हम एकदम लो फ्लेम पर रखेंगे, या तो फिर हम गैस को मंदा भी कर सकते हैं या तो बंद भी कर सकते हैं, नहीं तो ये जल्दी से पकने लगेंगे। और जो बॉल्स हमने बनाई थी वो बॉल्स भी हम इसमें डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा बैटर और डाल देंगे। तो ये नाश्ता बहुत ही जल्दी से बन जाता है क्योंकि अप्पे पैन होता है पतला, जिससे नाश्ता बहुत ही जल्दी से बन जाता है। इसी तरह से हम सभी तरफ भर देंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज लाती ही रहती हूँ। तो मैंने सारे बॉल्स भर दिए हैं, अब हम इसको कवर कर देंगे एक मिनट के लिए। उसके पहले हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल और ऊपर से लगा देंगे जिससे ये अच्छी तरह से पक जाए। गैस को हमने अब ऑन कर दिया है और एक मिनट के लिए अब हम इसको कवर कर देंगे। एक से दो मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये कितने अच्छी तरह से पक गए हैं। तो इन्हें अब हम पलट लेंगे, दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से पका लेंगे। इस रेसिपी को आप बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं, ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। सॉस के साथ अगर आप उन्हें दे देंगे तो ये वो फटाफट से फिनिश कर लेंगे और बच्चों से लेकर बड़ों तक इस रेसिपी को सभी लोग पसंद करेंगे। तो हम सभी को अच्छी तरह से पलटा लेते हैं और दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से पकने देते हैं इसको। एक चम्मच के लगभग ऑयल हम इसमें और लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए और एक मिनट के लिए और इसको कवर करके रख देंगे। तो दो ही मिनट में बनकर तैयार हो गया है हमारा बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो इसे निकाल लेते हैं अब प्लेट में और आप इसे हरी चटनी, टमाटो सॉस या मीठी चटनी साथ, किसी के भी साथ आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है और आप इसको सिंपल भी खा सकते हैं इसी तरह से। तो लीजिए, बनकर तैयार हो गया है हमारा बहुत ही टेस्टी नाश्ता। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।